फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको एंकर 16 एम्पियर एसएस कंबाइंड का कनेक्शन करना बताएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा एंकर का 16 एम्पियर एसएस कंबाइंड होता है, इसे हम हेवी लोड वाले उपकरण को चलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हमारा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, हीटर, इस टाइप के जो बड़े बड़े लोड वाले उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए हम एसएस कंबाइंड लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस एसएस कंबाइंड का सही कनेक्शन नहीं करते हैं, जिससे फ्रेंड्स उनका जो उपकरण होता है उसको कोई सेफ्टी नहीं मिलता है और उनका उपकरण जल्दी जल्दी खराब होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस एसएस कंबाइंड का सही कनेक्शन कैसे करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करिए। जो हमारा एसएस कंबाइंड रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इस एसएस कंबाइंड का ये चारों स्क्रू रहेगा, इस स्क्रू को आपको क्या करना है, यहाँ से खोल लेना है। तो चलिए पहले हम इन चारों स्क्रू को खोल ले रहे हैं। खोलने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपका यहाँ पे ये स्विच सॉकेट रहेगा, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्विच है इस पे लिखा हुआ है 20 एम्पियर 240 वोल्ट, और जो हमारा ये सॉकेट है इस पे लिखा है 6 एंड 16 एम्पियर 240 वोल्ट। वही फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा अर्थिंग का सिम्बॉल बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए हमारा एल लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा एल लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसको कनेक्शन कैसे करना है, चलिए अब हम इसका कनेक्शन कर ले रहे हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आप सप्लाई के लिए वायर यूज कर रहे हैं, एक आपका फेस का वायर रहेगा, एक न्यूट्रल का वायर रहेगा, एक आपका अर्थिंग का वायर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो आपका फेस के लिए वायर रहेगा, जिस भी कलर का आप वायर डालें उसको आपको क्या करना है, जो आपका स्विच का नीचे वाला पॉइंट रहेगा, इस नीचे वाले पॉइंट में इस वायर का कनेक्शन कर देना है। करने के बाद फ्रेंड देखिए, अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे न्यूट्रल के लिए वायर रहेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा एल लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने इस न्यूट्रल के वायर को किसी भी साइड में कनेक्शन कर देते हैं, पर फ्रेंड्स ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जिस साइड में एल लिखा रहेगा उसमें सप्लाई जोड़ना है, और जिस साइड में एन लिखा रहेगा उसी साइड में न्यूट्रल जोड़ना है। नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा, बाद में जब आप इस एसएस कंबाइंड से किसी उपकरण को चलाएंगे तो वहां पे उस उपकरण में प्रॉब्लम आ सकता है। मैं आपको वीडियो में आगे उस चीज़ के बारे में बता दूंगा उससे क्या प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये न्यूट्रल का वायर है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एन लिखा हुआ है, तो हम इस एन वाले टर्मिनल में इस न्यूट्रल वाले वायर को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम इसको यहाँ पर जोड़ ले रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए ऐसे एक वायर का छोटा सा लूप लेना है, लेने के बाद जो आपका ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल रहेगा इसको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, और लगाने के बाद क्या करना है, इस स्विच के स्क्रू को पूरा फुल टाइट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, आप इस वायरिंग के लिए जो भी वायर यूज कर रहे हैं वो कम से कम 2.5 mm का होना है, उससे अगर कम का अगर लगाइएगा 1 mm 1.5 mm, तो क्या होगा वहाँ पे हीट होकर गर्म होकर जल जाएगा, क्योंकि इस एसएस कंबाइंड से हेवी लोड वाला उपकरण चलेगा तो उसमें क्या होगा करंट भी ज़्यादा जाएगा, तो आपका क्या होगा पतला वायर वहाँ पे जल जाएगा। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, हेवी वायर इसमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वायर को जो हमारा ये सॉकेट का एल वाला टर्मिनल रहेगा इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमने क्या किया, सॉकेट के एल वाले टर्मिनल को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अर्थिंग कनेक्शन करना है। फ्रेंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इस एसएस कमांड में केवल फेस न्यूट्रल कनेक्शन कर देते हैं, अर्थिंग कनेक्शन नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको अर्थिंग बिल्कुल इसमें कनेक्शन करना ही करना है, नहीं तो फ्रेंड आपको इस कमांड को लगाने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, अर्थिंग के लिए भी एक वायर यहाँ पे लगा ले रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड देखिए, अगर आप इस एसएस कमांड में अर्थिंग कनेक्शन नहीं करेंगे, केवल फेस न्यूट्रल से ही चलाएंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, देखिए जो आपके घर में हीटर, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जो भी होता है जिसको आप इससे चलाते हैं, उसमें आप देखिएगा उसका जो प्लग होगा उसमें आपको तीन ऐसे पॉइंट रहेगा, एक मोटा वाला रहेगा और दो क्या होगा पतला पतला रहेगा। तो जो आपका पतला वाला पॉइंट होता है उससे क्या होता है फेस न्यूट्रल जाता है, और जो मोटा वाला उसमें पिन रहेगा उससे क्या होता है उस डिवाइस को अर्थिंग मिलता है। अगर मान लीजिए आपके उपकरण को अर्थिंग नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है, अगर मान लीजिए कुछ बॉडी हो गया, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ गया तो आपको वहां शॉर्ट भी लग सकता है और आपका जो उपकरण रहेगा वो वहां पे खराब भी हो सकता है। तो फ्रेंड बड़े उपकरण में अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अर्थिंग जोड़ना ही जोड़ना है। वही फ्रेंड देखिए, बहुत सारे लोग अपने एसएस कंबाइंड का उल्टा कनेक्शन कर लेते हैं, वो फ्रेंड्स क्या करते हैं, देखिए जो आपका ये फेस वायर रहेगा यहाँ पे न्यूट्रल वाला वायर कनेक्ट कर लेते हैं, और जहाँ पे न्यूट्रल का वायर लगेगा वहां पे वो फेस वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इससे फ्रेंड्स उनको क्या लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, इससे जो भी आप डिवाइस चलाएगा वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए मैं आपको बताता हूं इससे प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए आपने फेस वायर यहां पे जोड़ा है तो डायरेक्ट आपके सॉकेट में फेस रहेगा और जो आपका न्यूट्रल होगा वो यहां से स्विच से कंट्रोल होगा। और फ्रेंड देखिए जो आपके घर का डिवाइस का जो प्लग होता है उस प्लग पे आप ध्यान से देखिएगा, उसके एक साइड में एल लिखा रहेगा, एक साइड में एन लिखा रहेगा। वो फ्रेंड जितना भी प्लग आएगा, जितना भी आपका प्लग रहेगा सब में देखिएगा तो राइट साइड में ही आपका फेस रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा न्यूट्रल रहेगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा ये न्यूट्रल है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, और जो हमारा फेस है क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपने यहाँ न्यूट्रल के जगह पर फेस लगा दिया, फेस को यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर दिया, न्यूट्रल को राइट साइड में कर दिया है, तो जब आप अपने डिवाइस का प्लग लगाएंगे तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, देखिए जो आपका प्लग का न्यूट्रल वाला पॉइंट रहेगा उसमें क्या होगा, डायरेक्ट फेस सप्लाई जाएगा, तो आपके उपकरण में न्यूट्रल वाले पॉइंट में कंटिन्यू फेस सप्लाई रहेगा। आप यहाँ से स्विच को ऑन ऑफ कुछ भी करिएगा तो भी आपका यहाँ पे फेस सप्लाई बंद नहीं होगा, जो कि आपके डिवाइस के लिए सही नहीं है। आपके डिवाइस में अगर न्यूट्रल वाले पॉइंट से कंटिन्यू फेस रहता है, बंद करने से भी नहीं करता है, तो उसमें क्या होगा, आपका डिवाइस जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी आप इसमें फेस न्यूट्रल कनेक्शन करिए तो जिसमें एन लिखा हुआ है उसी में न्यूट्रल जोड़िए, और जिसमें एल लिखा हुआ है उसी में फेस जोड़िए, और फेस को कभी भी आपको स्विच से कंट्रोल करना है, न्यूट्रल को यहाँ पे डायरेक्ट लगा लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा एसएस कंबाइंड का प्रॉपर कनेक्शन ऐसे ही होता है। अब मैं एक बार आपको इसको चालू करके भी दिखा देता हूँ कि जो हमने ये कनेक्शन किया है ये हमारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा राइट साइड है, इसमें हमारा फेस आना है, इसमें न्यूट्रल आना है। यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे राइट साइड वाला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा फेस मिल रहा है, आप देख सकते हैं टेस्टर ग्लो हो रहा है, और वहीं पर देखिए जो हमारा यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए हमारा कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। तो फ्रेंड्स आपको अपने एसएस कंबाइंड का कनेक्शन ऐसे ही करना है, आपको उल्टा कनेक्शन बिल्कुल नहीं करना है, और उसमें अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस एसएस कंबाइंड का कनेक्शन करना समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर इस कनेक्शन को कहीं पर नहीं समझ पाए या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।